अपना योगदान है थिएटर के एक्टरों में ज्यादा स्ट्रगल तो है, लेकिन आप अपना होमवर्क करके जाते हैं, घर से तैयार होकर जाते हैं, टैलेंट है तो आपको काम मिलता है। मैं अपना करियर स्टार्ट किया एज ए मॉडल, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी, अब थिएटर नहीं किया था, बट मैं लुक्स अच्छे थे तो मुझे मॉडलिंग में काम मिलने लग गया। फिर मैंने उसके थोड़े दो तीन साल बाद एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। तो लेकिन मैं यंग जो टैलेंट है उनको कहता हूँ, अगर आप तैयार होकर जाते हैं तो सिंगिंग है या फिर एक्टिंग है तो वो बेटर रहता है कि आप सबसे अपना तैयार होकर जाए। आज कॉम्पिटिशन बहुत है, काफी लोग आ रहे हैं, पहले इतने नहीं जाते। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि बहुत से लोग जाते हैं, और ये अच्छा भी है कि आप अपनी कुछ वीडियोस बनाते हो, अपना कुछ गाना गाते हो और सोशल मीडिया पे डालते हो, यूट्यूब पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, तो पता नहीं कौन प्रोड्यूसर कौन डायरेक्टर आपको देख ले, अगर आप में टैलेंट है तो वो बुला ले कौन नहीं आपको, तो ये इजी हो गए। हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री इतनी ऊपर उठी नहीं है जितनी इंडस्ट्री बाकी क्षेत्रों की राज्यों की, जैसे साउथ की होगी, भोजपुरी इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री कितनी ऊपर है, हरियाणा की इंडस्ट्री बहुत नीचे है। क्या कारण इसके पीछे? कारण या तो फिर कुछ स्टोरी हो सकती है, स्टोरी कोई अच्छी नहीं आ रही, या तो फिर कुछ हम उसको बना नहीं पाते, क्योंकि अभी हम देखते हैं सुल्तान मूवी आई, दंगल आई, वो कितनी हिट रही, उसमें लैंग्वेज हरियाणवी थी, स्टार बड़े थे, कितना करोड़ों का बिजनेस है। वही अगर हम छोटे बजट पिक्चर बनाते हैं जिसमें कहानी अच्छी नहीं है, स्टार नहीं है, अच्छे होते तो नहीं चलती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि या तो आपकी कहानी हीरो हो या फिर आप उसके अंदर कोई बड़ा स्टार जुड़े, तब जाके वो इंडस्ट्री जो है हमारी ऊपर उठे। और अभी मेरी निर्भया दिल्ली के रेप कांड पे आ रही है, उसमें एज ए मेन लीड एज ए हीरो। और फिर अभी एक गुजराती मूवी है, उसको हरियाणा में भी हम रिलीज करेंगे, मारी लाड की, क्योंकि बेटी बचाओ अभियान के ऊपर है। और साउथ की मूवीज मैंने की है, तमिल मूवीज ज्यादा की है, मूवी अभी स्टार्ट हुआ करियर मेरा। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप तैयार होके आइए, क्योंकि बम्बई में आज लाखों लोग ट्रेन से उतरते हैं, और बड़े बड़े ऐसे नहीं कि पैसे वाले उतरते हैं फिर भी काम नहीं मिलता। तो अगर आप तैयार होकर आते हैं, टैलेंट है आप में, तो काम की कमी नहीं है। आज इतने चैनल हैं, इतने सीरियल्स बन रहे हैं, इतनी फिल्में बन रही, काम की कमी नहीं है। और मेरा पहला सीरियल था झांसी की रानी, और उससे पहले मैंने MTV एक रियलिटी शो किया था मेकिंग द कट, उसमें मैं फाइनल तक था। फिर उसके बाद मैंने किया लव मैरिज अरेंज मैरिज, फिर लाइफ ओके में महादेव में इंद्रदेव का रोल किया था, फिर दिया और बाती किया मैंने सोमेश्वर पवार मेन विलन था उसमें, फिर गौतम बुद्ध का एक सीरियल है काफी कंट्रीज में आजकल चल रहा है, 22 कंट्रीज में, और वो बहुत फेमस हुआ जिससे मुझे इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेम दिया। और उसके बाद आजकल मेरा एक सीरियल चल रहा है धर्मक्षेत्र, उसमें मैंने भीम का रोल किया, और सूर्य पुत्र कर्ण में जयद्रथ का रोल किया। सीरियल तो मैंने अभी इतने कर लिए हैं, मैं भूल गया था नाम। फिर उसके बाद अभी मेरा गंगा खत्म हुआ अभी 2 तारीख को MTV, और फिर अभी सोनी पे एक नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है 25th से, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ जब तक मेरी आ नहीं जाती तब तक मैं बताता नहीं, थोड़ा सा वो है। मैं बच्चन साहब को ही मानता हूँ, एक्चुअली मैं बचपन से उनको देखता था, जब हमारे घर पे लकड़ी वाला TV था एक जमाने में, तो उस जमाने में छोटा था तब मुझे पता नहीं था कि एक्टर लोग कहाँ रहते हैं, मुझे मिलना है इनसे, थोड़ा बड़ा हुआ समझ आई मुझे कि ये लोग तो मुंबई रहते हैं। तो फिर जिज्ञासा मन में जागी कि मैं इनसे लोगों से मिलूं, तब मेरे को फिर इच्छा आई कि मैं भी एक्टर बनूं या इनसे मिलूं, किस तरह मिलूं, तो कुछ पता नहीं था कि कोई अपना गॉड फादर नहीं है, पहचान वाला नहीं है। फिर करते करते कहते रहे सच्चे दिल से अगर इंसान याद दिलाता है दिमाग को, वो चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर मुंबई पहुँच गया तो बच्चन साहब क्या गया, एक मैंने शूट किया था रेमंड्स का, नहीं रिजन डिनर था, तो वहाँ यशराज में स्टूडियो में शूट था, तो वो अचानक से आए मेरी खराब साइड में, बाकी वो खुद ही बोले हेलो, तो मैं तो हैरान हुआ कुछ बोल नहीं पाया कि बंदा मैं जिसको देखता था कहता था कि मुझे इनसे मिलना है, तो वो बंदा आके मुझे हेलो बोल रहा है। फिर दिलीप कुमार के साथ मैं जैसे बैठे आप काफ़ी देर तक आधा घंटा तक बैठे रहा, रेवन साहब के घर पर जाके मिला, मतलब जो मैं सिनेमा में देखता था उस जमाने में, तो वो उन लोगों से मैं मिला मैं।